कि ये इतना सारा दलाली करने के बाद में, तो फिर वो तहसीलदार क्या कोई भी उसकी फाइल नहीं देखता था? ये SDM जो पुराने SDM थे उनको फॉरेन टूर भेजता था रेती वालों से पैसे हफ्ता जमा करके, उसकी भी रिकॉर्डिंग है, तो इस पर कार्रवाई तो होनी चाहिए कि नहीं? कोर्ट का उल्लंघन हुआ फिर? ऑफकोर्स पूरा उल्लंघन ही हो रहा ना, कंडेम ऑफ कोर्ट ही है ना सर। सर साहब दो बार आपको बुलाने के लिए आवाज दिए उन्होंने, आपने ड्राइवर साहब से भी आपको फोन किया, आपने उठाया नहीं, जल्दी जाइए आप, आपका पिछले रहे हो। ठीक है ठीक है। आप हेलो जनाब जी। हाँ बोलो। आप कहाँ पे हैं, ऑफिस से आ रहे हैं क्या? आप बिल लाने भी जाते हो ना पहले ऑफिस में? अच्छा तो आप ऑफिस में तहसील में कब आ रहे हैं? बिल लेके उधर आया था। अच्छा तो अभी कहाँ पे, अभी कहाँ पे? रस्ते में बस तहसील की तरफ आ रहा। ठीक है आओ तहसील में, आपको दो बार बुलाया उन्होंने पर तुम ध्यान ही नहीं देते यार। दूसरे डिवीजन में यार। अरे तो पहले नोटा लो ना यार, पहले नोटा लो, बाद में सब करेंगे ना। अच्छा गाँव पहुँचो जल्दी, पैसे पैसे मैं इधर ही से जल्दी पहुँचो। तयार करायला वेळ लागला सर ऑफिसला वस्तू तयार केली, आता झालो नाही आता मी चाललो फुलंबरी करला। मग आता तुम्ही कुठे येतो फुलंबरी करला? तिकडे येता का? तिकडे या। आणि ते शॉवरचं काम राहिलं ना? शॉवरचं काल सांगितलं सर रात्री करतो ते। हा ठीक ठीक आहे ठीक आहे, उद्धव कोण आहे बघा ते माणूस, आज करून घेतो समोरच उभा आहे त्याला सांगितलं। हा बर बर आलो सर बोलतो। येस येस। आबॉस भाऊ प्रत्येक 100 ब्राची 10,000 रुपये सांगायचे का 500 ब्राची 10,000 रुपये सांगायचे? 500 ब्राची ऑर्डरला कंपनी त्यांच्या प्रोसिजरच्या हिशोबाने 10,000 देतात। आता असं समजा असं ग्राहक झाला ते आपल्याला जे नाही त्यांना 10,000 देऊन टाका 500 ब्राची परमिशनला। बरं का 500 ब्राची परमिशनला? अरे हे गौण खणीतला राहिलेला माणूस आहे हो। त्यांच्या बोलण्यावर लक्ष लागलं त्याच्यामुळे तुम्हाला म्हणलं ते तुम्हाला क्लिअरिफिकेशन देण्याचं कारण आहे। म्हणलं हे तोंड काय फाडतं काय नाही त्याच्यावर डिपेंड आहे। आपण 25 देऊन टाकू साहेबाला फायनल। फायनल नंतर मागायचं नाही तर नंतरच्या नंतर बघू ना फायनल फायनल काय होते का नाही। अरे बाप अरे बाप त्याची त्याची बिचारीची माझी नवीन नवीन जुळवून आहे, चांगलं काम झालं तर पुढं ऍडजस्टमेंट। बोला 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 तुमच्या जेवण बोला काय अडचण नाही। लगेच द्या पाठवून इकडं कोणाच्या हाताने मी चिटकून टाकतो लगेच। मी सांगितलं प्रोटोकॉल मधला माणूस आहे म्हटलं सर, काही असं छोटं फोटं माणूस सेवा करतो म्हटलं, असं म्हणजे प्रत्येक गोष्ट अशा कामात मोजत नाही आणि बिलमध्ये मोजत नाही म्हटलं। माणूस चांगला आहे असा म्हणजे नेहमी संबंध टिकवण्यासारखा माणूस आहे म्हटलं, त्या हिशोबानं सांगा तर ते मला ते प्रत्येक दहा मंडळ आले तर मला टेन्शन राहिलं मला मी करतो तुम्ही द्या 25 पाठवून कोणाला तरी हात ना लगेच देऊन टाकतो उद्या म्हणजे चलूनच यायला सांगतो लगेच है का नाही? बर बर ठीक आहे चला ओके। मॅसेज टाकायला सांगतो सचिनला आणि सचिनला काही सांगू नका माझ्या थ्रू झाला म्हणून साहेब एक शब्द नाही बोलत गाण जनती बाकी कुछ भी नाही होता ऐसा बोलणे का मतलब एक शब्द नाही बोलत कर भेजो किसकी बात जानना की जो 355 गट नंबर सर्वे नंबर जो जमीन है उसके बारे में आपने जो रिकॉर्डिंग सुनाई है अभी रिकॉर्डिंग का क्या मकसद है उसका? मकसद यही है सर कि जो खालिद तलाठी है कि वो जानना तहसीलदार का शावर भी ख़राब हो जाए तो वो खालिद ही करता था। इसके साथ साथ खालिद जो रेती के हफ्ते आते थे 25,000 रुपये उनके नाम से वसूली भी करता था वो, तो उसका मतलब यही है रिकॉर्डिंग का कि जब अगर एक तलाठी जो है इतने वरिष्ठ अधिकारियों का अगर घर जैसा काम और बाकी चीज़ें वगैरह जैसी चीज़ें उनको सब सप्लाई करता था तो इसकी वजह से वरिष्ठ अधिकारी उसकी दी हुई फाइल पे कभी कुछ देखते ही नहीं थे कि ये कंडेम ऑफ कोर्ट होगा नहीं होगा, ये कोई मतलब बड़े इसमें चल रहा है नहीं चल रहा है कुछ नहीं देखते थे, बस साइन कर देते थे। जैसे मेरे केस में अभी हुआ था कि इन्होंने 10,00,000 रुपये लेके जो है मनोज जय भगवान निंदल और भरत रामचंदानी से मिल के इन लोगों ने मेरा फेर उड़ा दिया जबकि मेरा फेर वली उपार्जित था। अब उसमें इन्होंने करे क्या कि 10,00,000 रुपये लेके इन्होंने तहसीलदार का भी हिस्सा था इसमें सब लोगों का हिस्सा, वो रिकॉर्डिंग में मैंने आपको दी हुई वो रिकॉर्डिंग आपने लास्ट टाइम चलाई वो रिकॉर्डिंग, तो ये सब करते थे और इनको ये एहसास ही नहीं था जबकि मेरे फेयर जो है 2018 में SDM ने कायम करा था और अपर जिला अधिकारी में चल रहा था, इन्होंने अपर जिला अधिकारी से विड्रॉल लिए और बाद में इधर से मंजूर कराए, तो ऐसा होता क्या साहब? और उसमें ये लिख रहे कि ये 30 सक्षम अधिकारी नहीं करे, तो 25-30 साल से कोई सक्षम अधिकारी नहीं था जलना महसूल में, बस यही सक्षम अधिकारी आया, तो ये सब उसमें रिकॉर्डिंग में यही प्रूफ होता कि ये खालिद कहाँ तक था।
अब आप देखो इनको, मैं आपको पेपर देता हूँ, 17/8/2020 को एक पत्र इशू हुआ था, उसके ऊपर भी जालना तहसीलदार ने कोई कार्रवाई नहीं करा। उसके बाद में 14/2/2020 को एक पत्र इशू हुआ था, उसके ऊपर भी कोई कार्रवाई नहीं शुरू करा इन्होंने, कुछ कार्रवाई नहीं करते थे ये, बस लेके फाइल दबा देने का। आज जबकि भरत रामचंदानी के जो पिताजी है और उनके काका जी है, इन्होंने 11/6/1990 के अंदर 5 रुपये का पत्र दिए थे और उन्होंने ये एक्सेप्ट करे थे कि भाई जो कोर्ट का फैसला आएगा वो हमको मंजूर होगा। ये एफिडेविट है उनका दिया हुआ, उन लोगों का एफिडेविट है जिलाधिकारी को दिया हुआ, तो वो भी इन्होंने नज़रअंदाज करे। खालिद तलाटी ने कोर्ट में जवाब दिया था, वो भी उसको भी नज़रअंदाज करे इन्होंने। तो बोलने का मतलब यही है, रिकॉर्डिंग से यही प्रूफ होता कि ये कहाँ तक था, मतलब कोई एक चीज़ नहीं है, इसमें सभी लोग इन्वॉल्व थे। अभी कोर्ट में कुछ किसी का प्रकरण चालू है क्या? कोर्ट में प्रकरण 10/767 जो हमारा फेर है उसका कोई कोर्ट मैटर नहीं चल रहा, उसका कोई भी कोर्ट मैटर नहीं चल रहा। कोर्ट मैटर चल रहा हमारे चाचा जी गैंग का, और उस पर रेगुलर डेट चालू है 2019 से लेके अभी तक, कुछ भी नहीं है ऐसा, हमारा तो कोई संबंध ही नहीं आता उससे। कोर्ट के होते हुए भी तहसीलदार ने डिसीजन दिया था ये? हाँ, मैं वही तो बोल रहा हूँ ना कि ये इतना सारा दलाली करने के बाद में, तो फिर वो तहसीलदार क्या कोई भी उसकी फाइल नहीं देखता था? ये SDM जो पुराने SDM थे उनको फॉरेन टूर भेजता था रेती वालों से पैसे हफ्ता जमा करके, उसकी भी रिकॉर्डिंग है, तो इस पर कार्रवाई तो होनी चाहिए कि नहीं? कोर्ट का उल्लंघन हुआ फिर ये? हाँ ऑफकोर्स, पूरा उल्लंघन ही हो रहा ना, कंडेम ऑफ कोर्ट ही है ना सर। इस पर जिलाधिकारी, पता नहीं जिलाधिकारी जो अब नए आए उनका तो कोई इसमें ज़्यादा कुछ नज़र नहीं आता, पर मेरे को ऐसा लगता है कि किसी तो दबाव में है या डरते उस खालिद से। ये प्रकरण की जो जालना के कलेक्टर है उनको कुछ मालूम है या उन्हों? सब मालूम है, सब कुछ नहीं छुपा हुआ उनसे, वो नए नए आए पर उनको सब मालूम है। यहाँ से 20 पत्र इशू है विभागीय आयुक्त कार्यालय से, तो उनको स्टडी होगी पूरी? हाँ पूरी स्टडी होगी उनको, और उन्होंने मेरे को आश्वस्त भी किया है कि हम इसके ऊपर कार्रवाई करेंगे करके। कोर्ट के प्रकरण को लेकर कलेक्टर साहब को क्या बोलना है इसमें? उन्होंने लिख के दिया है ना, शिवाजी जोनर सर ने इससे पहले भी लिख के दिया, उसके बाद जो कलेक्टर आया रविंद्र बिन्नोड़े जी उन्होंने भी लिख के दिया कि भाई इसमें कार्रवाई नहीं हो सकती करके। कोर्ट के ऊपर अभी तारीख कब से चलोगी? 2019 से चल रही है, 2019 से रेगुलर तारीख चालू है इसकी, 21/1/2020 को चालू होता। आदेश निकाले? हाँ उसके बाद भी निकाला इन्होंने। अच्छा हमारा तो हमारा, हमारे चाचा जी का भी फेर उड़ा दिए इसमें, मुनीरा भी बादशाह भी के जो वारिसदार है इनके पूरे के वो फेर उड़ा दिए इन्होंने, ये 10 लाख रुपये लेके ही उड़ाए उन्होंने। और ये जो दलाली करता था खालिद सारी चीज़ों की, ये सारा कुछ करने की वजह से इन्होंने आँख पे पट्टी बांध लिए थे खुद की कि खालिद जो लाया वो सही है। जो आप रिकॉर्डिंग के अंदर किन किन लोगों की बात है संभाषण? वो जालना तहसीलदार का है और खालिद तलाटी का। तहसीलदार का नाम क्या है? श्रीकांत भुजबल। आप जो कह रहे हैं तो ये तहसीलदारों की इनकी आपने शिकायत की है क्या कहीं? जी बिल्कुल की थी, इनकी शिकायत जो ACB में भी है, CBI में भी है, ED में भी है, और स्पेशल जो है विभागीय आयुक्त कार्यालय औरंगाबाद इनको भी की थी और जालना कलेक्टर को भी की थी। ये जालना तहसीलदार का मतलब इनके इंक्वायरी के आदेश भी निकले हुए हैं और चल रही है इंक्वायरी, और उसके साथ साथ अभी करंट में ये इस हफ्ते के अंदर जालना में एक सम चल रहा, आप यकीन नहीं करेंगे वो सम किसका है, मंडल अधिकारी और तलाटियों का और ग्राम सेवकों का सम पे हो। उस सम पे मांगनी करी गई है कि भाई ये जालना तहसीलदार जो है इसको यहाँ से तुरंत ट्रांसफ़र किया जाए। उसकी वजह ये है कि ये पूरे गलत सलत काम करवाने का उन पर दबाव डालता, बदतमीजी से बात करता, क्योंकि वो उसके मन खाली जैसा मन मुताबिक करते नहीं, इसलिए उसको गुस्सा है इन लोगों पे भी, इसलिए उस पर संप पे अभी लोग 30 तारीख से संप पे। आपको इंसाफ मिलेगा ऐसा आपको कहाँ तक लगता है इसमें? लगता नहीं सर, मिल के रहेगा और हम लेके रहेंगे, लगने का कुछ नहीं, हम लेके रहेंगे और हर एंगल से लेके रहेंगे हम। प्रकार चालू फिर भी
इधर भी होता है।